वेलकम टू पीएसए। बच्चों आज सेट थ्योरी का लेक्चर है। सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कवर करेंगे। इसमें हम आपको टाइप्स ऑफ सेट्स बताएंगे और किस तरीके से जो बेसिक क्वेश्चंस इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आते हैं उन सबको कैसे सॉल्व करना है वो सब चीज़ें बताएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं और 10 से 15 मिनट में ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं रूल्स क्या हैं थे उसके सेट के। जो सेट है उसके कुछ रिप्रेजेंटेशन के रूल्स हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है जो नेम है सेट का वो अपर केस अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। मान लेते हैं जैसे अभी थोड़ा जब आगे आप बढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि किस कैसे किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। बस इतना समझ लेते हैं, मान लीजिए एक सेट बनाया। सेट मतलब एक समझ लीजिए जैसे एक घर है, एक घर के अंदर सामान रखा हुआ है, तो जो घर है वो सेट है और जो सामान रखा है वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, तो जो घर है जो उसका जो नाम रखा जाएगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ठीक है। सेकेंड इज द एलिमेंट्स ऑफ द नंबर और मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय लोअर केस। ठीक है, तो जैसे घर के अंदर जो मेंबर्स होंगे उनके नाम लोअर केस में और जो घर का नाम है बच्चा वो अपर केस में होगा। अब इफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दिस इज रिप्रेजेंटेड ए, ए बिलोंग्स ए। मतलब हमको खाली अभी ये बताना था कि ये जो बिलोंग वर्ड है इसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक, तो ए बिलोंग्स टू ए मतलब स्मॉल ए जो है, जैसे मान लेते हैं राहुल किसी घर में रहता है तो उस घर का नाम वंश था मान लीजिए, तो राहुल बिलोंग्स टू वंश, मतलब राहुल जो है वो वंश से बिलोंग करता है, वो एक कम्युनिटी है, कुछ भी समझ लीजिए, वो आपको समझने का बस वो है। मतलब ए जो है वो सब मेन सेट हो गया और ए उसके अंदर का एलिमेंट है। ठीक, अब अगली लाइन लिखी है दिस इज़ अ ग्रीक सिंबल कॉल्ड एप्साइलन, इसको एप्साइलन बोलते हैं और डिनोट्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे इसको डिनोट्स टू के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर डजेंट बिलोंग करेगा तो मतलब अगर उससे बिलोंग नहीं करता तो इसी एप्साइलन को आप कट कर देते हो। ठीक, मतलब अगर एप्साइलन बनाना है तो यू बना दिया, अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसी को आप कट कर दोगे। ठीक, तो डजेंट बिलोंग टू हो जाएगा। अब इसी को और एक्सप्लेन करने के लिए देखिए क्या इसमें लिखा हुआ है। ये इफ़ आर ई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रेस्टोरेंट्स डिनोटेड बाय आर, द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन वुड बी आर ई बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली टू शो दैट स्टेशनरी शॉप दैट इज़ एस ए, मान लेते स्टेशनरी शॉप है, इट डज़ नॉट बिलोंग टू आर, भाई रेस्टोरेंट से स्टेशनरी शॉप तो बिलोंग करेगी नहीं, इसलिए हम उसके लिए बच्चा ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, डजेंट बिलोंग टू। तो ये रूल है सेट थ्योरी के लिए, स्टार्टिंग के इम्पॉर्टेंट रूल्स ये रहेंगे। सेट रिप्रेजेंट करने के हमको दो फॉर्म अभी पढ़ने हैं, वो है सेट रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो रोस्टर फॉर्म पहले समझते हैं क्या है। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमाज एंड इनक्लोज बिटवीन कर्ली ब्रेसेस, मतलब ये कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर कॉमा से सेपरेट करके आपको डेटा लिखना है। जैसे 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, तो ये जो डेटा लिखा गया ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। ठीक, जिसमें आप कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और जो डेटा लिखना है वो कॉमा से सेपरेट कर देना है। ठीक, अब सेट बिल्डर फॉर्म देख लीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म, इन दिस फॉर्म ऑल एलिमेंट्स हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे कि एक सेट है जिसमें, जैसे ऊपर वाले में देखिए, इसमें 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 लिखा हुआ है, इसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। लेकिन अगर एक सेट हम बनाते हैं, मान लीजिए ए इज़ इक्वल टू, एक मिनट कलर चेंज करते हैं इसका, ए इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, तो या तो आप इसको इवन नंबर कह लीजिए या मल्टीपल ऑफ 2 कह लीजिए। ठीक, लेकिन इसमें एक सिमिलैरिटी है सारे एलिमेंट्स में, तो इस केस में सेट बिल्डर फॉर्म हमारा काम आता है। ठीक, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, तो x x सच दैट x इज एन इवन नंबर। अच्छा, इसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, s इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन किया हमने, x लिखा, x का ये जो दो डॉट हैं इसको आप सच दैट बोलोगे बच्चा, क्या बोलोगे, सच दैट। ठीक,
ये बस थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली थी, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेट देख लीजिए, ये भी काम आ सकता है। सबसे पहला है बच्चा फाइनाइट सेट। कौन सा? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स के एलिमेंट लिमिटेड होते हैं, जैसे मान लेते हैं इवन नंबर्स बिटवीन 2 to 100 फाइनाइट सेट है, नंबर्स फाइनाइट है, इसमें हमको पता है कि कितनी वैल्यूज आने वाली हैं, लिमिटेड है। अगला है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के केस में मान लीजिए लिखा है इवन नंबर्स, ठीक। अब इवन नंबर्स की लिस्ट बड़ी है तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। एम्प्टी या नल सेट, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट को क्लोज, कैपिटल ए इज इक्वल टू ये, तो ये नल सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसी तरह के सिंगलटन सेट, इसमें एक एलिमेंट आएगा। इक्वल सेट, इक्वल और इक्वलेंट में डिफरेंस ये है कि इक्वल सेट्स में वैल्यू इक्वल होंगी, जैसे ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 है और बी इज इक्वल टू 3, 2, 1 है, तो इक्वल सेट्स हैं, ठीक। इक्वलेंट सेट में कार्डिनल वैल्यू सेम होती है। कार्डिनल वैल्यू मतलब जैसे ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 था और बी इज इक्वल टू 9, 8, 7 है, तो कार्डिनल वैल्यू सेम, मतलब इसमें 3 वैल्यूज़ है, इसमें भी 3 वैल्यूज़ है, तो इक्वलेंट सेट ये होते हैं। पावर सेट, किसी भी मेन सेट का एक सबसेट बनाओगे जिसमें उसकी पावर्स आप डिनोट कर रहे हो। यूनिवर्सल सेट, सबसेट्स किसी एक मेन सेट से निकल के आ रहे हैं तो वो उनका यूनिवर्सल सेट हो गया। और सबसेट पता ही है, एक सेट है 2, 3, 4, 5, 6 और इसी का एक सबसेट बना दिया हमने जो है 3, 4, 5, ये वैल्यूज़ इसमें होनी चाहिए, ठीक है। जो बी की वैल्यूज़ हैं वो ए में होंगी तभी वो सबसेट उसका कहलाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सेट। आगे बढ़िए, सिंबल्स जो यूज़ करते हैं सेट में वो देखते हैं। एन, ये देखा होगा आपने, एन ऐसे लिखा होगा ए बिलोंग्स टू एन, तो एन क्या है? नेचुरल नंबर्स। कौन से नेचुरल नंबर? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे जेड अगर लिखा है तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव में इंक्लूड हो जाएंगे। रैशनल नंबर आपने पढ़ा ही है, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप उसमें रैशनल नंबर्स क्यू लिखोगे वहाँ पे, जैसे ए बिलोंग्स टू क्यू। आर के लिए रियल नंबर्स हो गया, ये रियल नंबर मतलब जैसे पाई आ गया, -4/3 पाई आ गया, ये सब चीज़ें रियल नंबर्स में आ गई, ठीक। सी इज़ फॉर बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पता होगा आप लोग को तो उसमें एक वैल्यू हमको मिल जाती है आई, ठीक। आई जहाँ पे आ गया तो वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है सिंबल्स क्वेश्चन में, और जब आपको लिखना होगा तब ज़रूरत पड़ती है डिनोट करने की, तो ये सिंबल्स याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सीधा आप क्वेश्चंस पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेल डिफाइंड सेट्स। वेल डिफाइंड की बात हो रही है, मतलब ऐसे सेट्स जो वेल डिफाइंड है, मतलब इनकी वैल्यूज़ कह लीजिए फाइनाइट हैं, जिनके बारे में पता है हमको, ऑल कलर्स इन रेनबो फाइनाइट सेट है भैया, ठीक। तो यहाँ पे आप एफ लिख दो, ऑल पॉइंट्स दैट लाइन स्ट्रेट लाइन, बहुत सारी लाइन्स तो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक। मैंने आई पता नहीं क्यों लिखा, नॉट डिफाइंड, ठीक, दे आर नॉट डिफाइंड सेट्स। सी वाला देखते हैं, ऑल ऑनेस्ट मेम्बर्स इन द फैमिली, ये भी नॉट डिफाइंड है, वेल डिफाइंड तो आप पता थोड़ा ना कर पाओगे कि कौन ऑनेस्ट है कौन ऑनेस्ट नहीं है, ये तो आपके अपने अपने जजमेंट्स होंगे। एक बच्चा कहेगा वो ऑनेस्ट है, एक कहता है नहीं हमारे लिए ऑनेस्ट नहीं है। तीसरा ऑल द कॉन्सनेंट्स ऑफ, हो जाएगा भाई कॉन्सनेंट्स भी पता चल जाएंगे, ठीक। तो जिसकी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो बेटा वो वेल डिफाइंड सेट हो गया, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, जिसके बारे में हमको पता नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं, चेंज हो सकते हैं, ये मैन टू मैन चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो वो डिफाइंड सेट नहीं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अगला क्वेश्चन ये देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक। पहला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, तो ए के लिए क्या लिखेंगे? एक्स, ध्यान समझिएगा, एक्स सच दैट एक्स इज इवन एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8। ये इंपॉर्टेंट लिखना है इसलिए क्योंकि यहाँ बच्चा 8 के बाद ऐसे ऐसे से डॉट डॉट कंटिन्यूड वाला नहीं लगाया, जैसे इसमें डी वाले पोर्शन में लगाया, तो 8 तक रोक दिया गया, इसलिए हम बताते हैं कि जो एक्स है वो इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 भी है, 4 है, 6 है, ये इवन नंबर्स है, लेकिन इवन नंबर तो बहुत हो गए, तो लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा था, लेस देन इक्वल टू 8,
ये चीज़ लेस देन और इक्वल टू इट। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से हम लोग सी वाला देख लेते हैं। इसे ए देखा, इसे सी देख लीजिए। 149, सॉरी जैसे 149, 16, 25, ठीक। तो सॉरी ये एन टू नहीं है, एन स्क्वायर है। इसमें हमने क्या बताया कि जो एन की वैल्यूज़ है वो एक्स की जो वैल्यू वो एन स्क्वायर, और जो एन है वो वन से लेके बच्चा फाइव तक जाएगा। तो ठीक है, वन की स्क्वायर की बात करोगे तो वन आएगा, फिर टू की स्क्वायर की बात करो फोर आता है, फिर थ्री का स्क्वायर नाइन आता है, फोर का स्क्वायर 16 आता है, फाइव का स्क्वायर 25 आता है। यही हमारी वैल्यूज़ हैं। तो सी इस तरीके से है। सी डी देख लीजिए, 135 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, हमारे ऑड नंबर से हमने लिख दिया डायरेक्ट, एक्स इज ऑड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको, इस वाले को, दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to n, n is natural number, और x लाई बच्चा कहाँ से करेगा, 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो 2 से बड़ा है, और x जो है वो किससे छोटा है, बड़ा तो हो गया 2 से, लेकिन बड़े में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। 2 से 100 भी बहुत बड़ा है, 1000 भी बड़ा है, तो कितनी वैल्यूज़। तो उसके लिए एक लिमिट लगी है कि 10 से छोटा, और इक्वल टू का भी साइन है, मतलब 10 भी इंक्लूड हम करेंगे। तो 2 से लेकर 10 तक आपको जाना है, सॉरी 3 से लेके, क्यों यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, यहाँ खाली लिखा है 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा 3 से स्टार्ट कर देंगे, लिखना स्टार्ट कर दिया 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरीके से बी देखें तो लिखा है x बिलोंग्स टू z। ठीक, अभी आपको मैंने z बताया था, z क्या था बेटा, यहाँ पे देखिए मैंने जो टेबल आपको बताई थी, z था हमारा ऑल इंटीजर, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आएंगे और नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगे। ठीक, तो z के लिए -1/2 से 11/2 तक जाना है। -1/2 बेसिकली क्या है, अगर आप डिवाइड करोगे 1 को 2 से तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दैट इज़ 0.5। तो 0.5 से बड़ी वैल्यू माइनस की, अगर 0.5 से बड़ी वैल्यू 0 होती तो 0 से स्टार्ट कर दो आप, और लेस देन 11/2, 11/2 मतलब 2 5s of 10, और 5 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये वाली वैल्यूज़ मैं कह रहा हूँ, ये वैल्यू आएगी 5 पॉइंट समथिंग, और ये वैल्यू आएगी 0.5 माइनस में। तो 0.5 से बड़ा 0 है और 5.2 से छोटा 5 है, तो 0 से लेके 5 तक वैल्यूज़ ये लिख दी हमने। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया रोस्टर फॉर्म में। अगला देखें, सेट बिल्डर फॉर्म में फिर से करके देखते हैं। देखिए, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स, कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन नंबर्स, रिप्रेजेंट कर दिया। सेट ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 20, थर्ड क्वेश्चन देखिए हमने यहाँ पे लिखना भूल गए, थर्ड का आंसर, ये चीज़ आप छोड़ दो इसको, ये छोड़ दो, सेकेंड वाला देखो, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 20, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, लेस देन 20। ठीक, ये हो गया सेट बिल्डर में किस तरीके से करना है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो क्या है, ए इज सेट ऑफ ऑल वॉल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, लिख दिया, ए इज सेट ऑफ ऑल वॉल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक, अगला देखिए बी, 135, 79 एंड 11, क्या है ये, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 11 है, यही चीज़ हमने आप लिखी। बी इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 11। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ रहा हो गया बेटा। आगे देखते हैं क्या है, एक क्वेश्चन सबसेट का होगा ये, एक सेट दे दिया हमको ए, इन्होंने 1 2 3 4 5, वो भी दे दिया 5 4 3 2 1, डिटरमाइन वेदर बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए और नॉट। ठीक है, इफ़ बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ बी मस्ट ऑल्सो बी इन एलिमेंट ऑफ ए, एंड बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू ए। ठीक, इन द गिवन सेट्स ए एंड बी, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो इन एलिमेंट वे, बट बी इज इक्वल टू ए, मतलब कहा गया इफ बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ बी मस्ट बी ऑल्सो इन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब बी ए में होना चाहिए, वो है 5 3 4 2 1 है, तो 5 3 4 2 1 है। इन द गिवन सेट, बट बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू ए, मतलब बी इक्वल नहीं होना चाहिए, के इक्वल मतलब समझ रहे हैं, वैल्यूज़
जो हैं इसमें जैसे फाइव हैं उसमें भी फाइव हैं, ये इक्वल नहीं होना चाहिए लेकिन इक्वल है। ठीक, तो इसलिए प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ, सबसेट हुआ बट प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ। प्रॉपर सबसेट के लिए इक्वल नहीं होना चाहिए और वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए उस मेन सब उन मेन सेट की। तो ये हो गया आपका सेट और सबसेट का कॉन्सेप्ट भी। ठीक, तो यहाँ तक तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है सेट्स का, जिसमें आपको बताया कि किस तरीके से सेट को आप समझते हो, कैसे आप सेट को डिफ़ाइन करोगे, किस तरीके से एलिमेंट्स होते हैं, क्या टाइप्स हैं उसके, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। इसका एडवांस लेक्चर हम जल्दी इसमें अपलोड कर देंगे जो कि आपको थोड़ा हाई लेवल के लिए हेल्प करेगा। होप आज का लेक्चर आपको ये चीज़ समझ में आई हो क्या है। अगर कोई भी डाउट या कोई इशू आ रहा हो तो आप हम लोग को व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ भी आपको कोई डाउट आए आप हमको व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, कहीं पे भी मैसेज करिए, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दे देंगे। कोई डाउट हो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।